हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन की तरफ से आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं। और आज मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि मैंने पहले बताया था भिन्न का जोड़, भिन्न का गुणा, और आज जो बताने वाला हूं वो है भिन्न का गुणा। तो आप हमारे चैनल पर यदि नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हर रोज के नए नए वीडियोस आप तक जरूर पहुंचते रहें। आज देखिए कि भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है आपको हम बताने वाले हैं। तो यहाँ आप सबसे पहले दो अंकों का भिन्न का गुणा जानें। तो जैसे दो अंकों का मान लीजिए कोई संख्या 5/4 / 6 गुणे 9/8 लिखी है ऐसी संख्या, तो आप इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ तो हमने क्वेश्चन में तीन तीन अंकों का दिया है, तो यहाँ आप दो अंकों का पहले समझिए, फिर उसके बाद तीन अंकों का कैसे हल करते हैं उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए यदि संख्या कट जाती है तो आप संख्या को काट दीजिए, यदि अन्यथा नहीं कटती है तो आप संख्या को न काटिए। वैसे सीधे सीधे का गुणा कर देते हैं, यहाँ ऊपर ऊपर का गुणा अर्थात कहने का अर्थ अंश अंश का गुणा कर देते हैं, और हर हर का गुणा कर देते हैं। यदि संख्या कट जाती है तो आप संख्या को काट सकते हैं। जैसे यहाँ 4 4 91 4 4 91 4 4 2 8 कट जा रहा है। अब देख रहे हैं तीन से ए भी संख्या कट जा रही है, लेकिन जब इसको काटते हैं अंश बटे हर, अंश और हर से ही काटते हैं, और हर 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 से नहीं काटा जाता और ना अंश अंश से काटा जाता है। तो यहाँ हर और हर मतलब अंश और हर को ही काट सकते हैं। तो 4 × 8 यहाँ 3 3 × 6 तीन से काटेंगे, 3 × 6 और 3 3 9। अब यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ 3 और यहाँ 1 यहाँ 2 और यहाँ 2, तो 3 × 9 3 होगा, और उसके बाद 2 × 4 जो हमारा आंसर आएगा यहाँ गुणा करने पर 3/4 होगा। तो अब इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ क्वेश्चन में अगर तीन तीन संख्याओं का तीन तीन अंकों का गुणा दिया है तो हम उसको कैसे हल करेंगे। आप इसको देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ भी अगर कट जाती है संख्या तो आप काट दीजिए, अन्यथा यदि नहीं कटती है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए। अगर संख्याएं कट जा रही हैं तो आप अंश बटे हर को काट सकते हैं। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं 3 × 9 3 3 × 9 और 3 × 9 3 3 × 6 कट जा रहा है, और उसके बाद यहाँ इससे हम काटेंगे तो 4 4 × 9 4 4 × 8। अब जो ऊपर संख्या और 2 से तो 7 कटेगा नहीं, 2 से भी 7 कटेगा नहीं, तो यहाँ ऊपर की जो संख्या है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ बचा 2 2/1 × 2 2/1 × 1 1/7। अब क्या करेंगे कि यहाँ कोई भी संख्या किसी भी संख्या से नहीं कट रही, तो इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें। मल्टीप्लाई का कहने का अर्थ गुणा हम इसका करेंगे, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 × 4 हो जाएगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 × 9 4 1 × 1 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 × 9 7 होगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो उसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब यहाँ भी देख रहे हैं कुछ संख्याएं कट जा रही हैं, तो आप क्या करें, सबसे पहले संख्या को काट लीजिए, फिर उसके बाद आप आराम से हल कीजिए। यदि कट रही है तो काट दीजिए, नहीं कट रही है तो आप इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 8 का गुणा 7 में 7 जो आंसर आएगा, फिर उसका गुणा 9 में कर दीजिए। ठीक, अगर कट जा रही है तो आप काट दीजिए। जैसे यहाँ काटेंगे 7 × 9 7 7 × 9 14, और उसके बाद यहाँ हम काट रहे हैं देखिए कि 8 और 6 को काटेंगे। यदि काटते हैं तो सेम संख्या से काटेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 2 से इसको काटा तो 2 से इसको भी काटेंगे, तो 2 से यहाँ काटेंगे 2 3 6 और 2 4 8। अब देख रहे हैं कि 9 से भी 9 क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। अब ऊपर क्या क्या संख्या बची है हम उसको उतार लेंगे, 4 4/9 91 9 9 91 9 कटा था तो यहाँ भी 1 लिख लीजिए,
फिर उसके बाद गुणे एक बटे तीन गुणे एक बटे दो होगा। ठीक, अब इसमें देख रहे हैं कि फिर से कोई संख्या कट जा रही है, देख लीजिए, जैसे दो इक्कनम दो, दो दूना चार, कट जा रहा है ना, तो यहाँ दो बटे एक गुणे एक बटे तीन गुणे एक बटे एक बचा है, एक बटे एक बचा है, तो हम क्या करेंगे, अंश अंश का गुणा करते हैं और हर हर का गुणा करते हैं, तो दो इक्कनम दो, दो इक्कनम दो, तो दो और तीन इक्कनम तीन, तीन इक्कनम तीन। ठीक, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, हो गया। तो शायद आपको यह मेथड समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आपके सामने फिर से बताते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि हम क्वेश्चन नंबर तीन और चार फिर से देख रहे हैं, किस आप फिर से यदि आपको वह समझ में नहीं आया तो फिर से आप देख लीजिए, फिर उसके बाद आसानी से कैसे करते हैं इसके बारे में आप लिख लिख कर, यदि आपको नहीं समझ में आता फिर से आप बताइएगा, तो हम एक एक लाइन को आपको लिख के बताएंगे कि कैसे हल किया जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ दो से ऊपर की कोई संख्या नहीं कट रही है और यहाँ तीन से तीन इक्कनम तीन, तीन दूना छः कट जा रहा है। अब यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर की संख्या कोई भी नहीं कट रही है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर का अंश का गुणा अंश में कर देंगे, तो यहाँ नौ इक्कनम नौ, नौ का गुणा सात में करेंगे, नौ सात तिरसठ, तिरसठ बटे पांच दूना दस, दस दूना बीस, बीस, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगली बारी जो क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन हम करेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि कुछ संख्याएं कट जा रही, कुछ संख्या नहीं, जैसे मान लीजिए तीन इक्कनम तीन, तीन दूना छ, और उसके बाद दो इक्कनम दो, दो दूना चार, ठीक, कट जा रहा है, दो इक्कनम दो, दो चौका आठ कट जा रहा है, और फिर यहाँ काट देंगे, तीन से तीन दूना छ, तीन त्रिका नौ कट जा रहा है। अब ऊपर क्या क्या बचा है उसको हम लिख लेते हैं, एक बटे दो गुणे एक बटे चार गुणे तीन बटे एक, यही बचा है, तो यही हम लिख लेंगे। अब देखिए ऊपर का गुणा अंश का गुणा अंश में कर देंगे और हर का गुणा हर में, तो तीन इक्कनम तीन, तीन इक्कनम तीन बटे चार दूना आठ, आठ इक्कनम आठ, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको यह सवाल जरूर समझ में आ गई होगी, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हर रोज के नए नए वीडियोस आप तक जरूर पहुंचे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।